ये हो रहा है कि इंटरनेट नहीं है ऑफिस में, सो आई एम यूजिंग माय मोबाइल नेटवर्क। तो हम वीडियो भी ऑफ रखेंगे ओनली सो दैट थोड़ा सा आवाज क्लियर हो जाए, है ना। सो स्टार्ट। चलिए फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है एंथ्रोपोमेट्री इक्विपमेंट के बारे में बताता है, क्या क्या है जो हम एंथ्रोपोमेट्री में यूज करते हैं, जो कॉमनली इक्विपमेंट जो यूज होता है, और जो पुराने और जो नया जो इक्विपमेंट है उन इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उसका फोटो भी दिखा देंगे, और उसी से क्या क्या इक्विपमेंट मेजरमेंट पैरामीटर ले मतलब ले सकते हैं। सो इसमें In anthropometry, different kinds of instruments are used for taking measurement of various nature on the different part of the body. तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग इक्विपमेंट यूज करते हैं फॉर डिफरेंट मेजरमेंट के लिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट आर गिवन बिलो। मतलब नेक्स्ट जो है कुछ कुछ जो इक्विपमेंट जो हम स्पोर्ट प्लेयर के ऊपर एथलीट के ऊपर जो यूज करते हैं वही इक्विपमेंट दिखाएंगे, और जो जरूरत नहीं है जो उसको तो हम बात नहीं करेंगे। तो जो भी होगा ये यहाँ पे डिपार्टमेंट पे है जो हम यूज करते हैं उसी के ऊपर वो चीज दिखा रहा है। तो सबसे पहले ये है तरह तरह का ऐसा रोड दिखाई देंगे आपको मिलेंगे फॉर टेकिंग हाइट। हाइट लेने के लिए यू कैन सी हियर पोजीशन, हाइट लेने के लिए ये रोड यूज किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि फोर सेगमेंट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ये जो दो है नीडल ब्लेड या नीडल, तो वन जो है वो फिक्स रहता है यहाँ पे, एक मूवेबल सॉकेट है उसके अंदर ये ब्लेड और या क्रॉस बार जो है वो इंसर्ट करेंगे। ये जो बार नीडल और या क्रॉस बार है ये यही है, इंसर्ट करने के बाद उसको मूव कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू टच द लैंडमार्क एंड रेटिंग जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे भी मार्किंग रेटिंग दिया गया है, तो मोस्टली ये 500 मीटर या 50 सेंटीमीटर का पर सेगमेंट आता है। 50 50 50 50 मतलब 200 सेंटीमीटर का जो हाइट है वो मीटर कर सकते हैं, मतलब लगभग 6 फीट का आते हैं ये, पर 6 फीट इंडिविजुअल का हाइट मेजर कर सकते हैं इससे। सो द एंथ्रोपोमीटर इज यूज फॉर टेकिंग लार्जर लाइनियर मेजरमेंट, मोस्टली द वर्टिकल मेजरमेंट दैट इज फ्रॉम द फ्लोर वेयर द सब्जेक्ट stands to the required landmark on the human body. जो हम बोल रहे थे linear measurement, lengthwise, तो ये चीज क्या होता है कि इससे suppose height ले लिया vertex को touch करके, इसी को rod को थोड़ा नीचे रखेंगे तो acromial height आ जाएंगे, जो कल परसों landmark में बताए थे, जो radial height भी ले लेंगे, फिर stylian height, फिर dactylian height, trochanterian height, tibial height, तो ये ऐसा ये rod को ऊपर नीचे ये करके मूव कर सकता है, उसी से आपका लोकेशन जो लैंडमार्क है उसका हाइट या लेंथ मेजर कर सकता है। दिस इज ये जो है मल्टीपर्पज का काम वो होता है एंथ्रोपोमेट्रिक ग्रोथ जो है ये लेंथ वाइज वर्टिकल लेंथ वाइज भी मेजर करते हैं, और ग्रोथ डायमीटर जिसका डायमीटर चौड़ा है, जैसे सोल्जर आपको डायमीटर लेना है जो एक्रोमियल टू एक्रोमियल जो कल दिखाया था उसके लिए भी ये यूज करते हैं फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ और ब्रेथ के लिए। तो इसी को अगर सपोज ऊपर का पोर्शन को यूज कर दिया, सपोज ऐसा ही देखेंगे उसको, दो ब्लेड जो है वो यूज कर रहा है, उसका जो सॉकेट है उसमें ये नीडल ये दिया गया है, एंड देन रोड कंपास नाम बोलते हैं। जब इसका इस पोजिशन में देखेंगे इसको हम रोड कंपास बोलते हैं। ये इसके लिए जो अपर पार्ट जो सेगमेंट है जो टॉप मोस्ट जो अपर का जो सेगमेंट ऑफ जो इक्विपमेंट है उसको यूज किया जाता है, देन दो ब्लेड यूज करते हैं, और मेजरमेंट देख सकते हैं आप इसका सोल्जर ब्लेड मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। रोड कंपास इज यूज फॉर टेकिंग लॉन्गर ब्लेड मेजरमेंट लाइक बाई एक्रोमियल जो दिख रहा है, एक्रोमियल टू एक्रोमियल,
और बाई इलियक मतलब हिफ का इलियक टू इलियक हिफ का ब्रेथ या डायमीटर मेजर करते हैं व्हिच कैन नॉट बी मेजर बाय स्लाइडिंग कैलिपर। जो स्लाइडिंग कैलिपर जो है वो होता है कि आपका स्मॉल डायमीटर या स्मॉल ब्रेथ मेजर करने के लिए, और जो ब्रॉडर डायमीटर और जो ब्रॉडर ब्रेथ जो है वो इसी इक्विपमेंट से यूज करते हैं। तो इसका नाम दिया गया है अलग सा प्रोट कंपास, अगर इसको इस ये ऐसा दिखाया मतलब आप यूज करेंगे तो। अनदर इज स्टीरियोमीटर। स्टीरियोमीटर आपने देखा होगा कि जैसा बाहर में भी कोई हाइट मीजर कर रहा है या आर्मी रिक्रूटमेंट के टाइम पे या पुलिस रिक्रूटमेंट के टाइम पे ऐसा कोई स्टीरियोमीटर भी देखा होगा हाइट मेजर करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो पोर्टेबल स्टीरियोमीटर बोलता है इसको। तो ये चीज यहाँ पे ये जो बार है इसको मूव कर सकते हैं, यू कैन मूव दिस बार। यहाँ पे एक रेटिंग रहता है जो स्केल यहाँ पे मूव करने के बाद वो अपने आप रीड कर लेता है कि एक मूवेबल काउंटर रहता है यहाँ पे, तो वो बता देता है कि 170 सेंटीमीटर है 180 सेंटीमीटर है, तो उसी हिसाब से उसका हाइट यहाँ पे दिखाई दे देता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ दिस बार। तो ये दिस स्टीरियोमीटर इज यूज ओनली फॉर टेकिंग हाइट या स्टेचर के लिए यूज करते हैं, बाकी और पैरामीटर यूज नहीं कर सकता ये, दिस इज ओनली फॉर हाइट। और नया जो ट्रेंड आ रहा है, ये पुराना मॉडल था स्टीरियोमीटर का, अब डिजिटल होके आ रहा है डिजिटल स्टीरियोमीटर। तो डिजिटल स्टीरियोमीटर में देखेंगे आप मोर और लेस वही फंक्शन है, ये जो है ये मूवेबल पार है, यू कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो उसका जो एरिया है वहाँ पे जो वर्टेक्स का लैंडमार्क है वो टच कराना है, एंड देन यहाँ पे एक लाइट देखा है इसी में उसका डिजिटल नंबरिंग आ जाएंगे कि 170.2 सेंटीमीटर है, जो भी है जितना ऊपर मूव किया जाएंगे उसका जो चेंजेस होते जाएंगे। तो उसी हिसाब से ये एक ये भी नया उसी हिसाब से डिजिटल बनाया गया है सेम। उसमें यहाँ पे एक काउंटर था जो मूव करते थे और यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया इस चीज़ को, तो इसीलिए उसको डिजिटल स्टीरियोमीटर बोलता है। दिस ऑल्सो यूज ओनली फॉर टेकिंग हाइट और स्टेचर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये दो चीज। उसके बाद आते हैं स्प्रिंग कैलिपर और एपीचेस कैलिपर। दो अलग अलग तरीका का आपको मिल सकता है इसमें। स्प्रिंग कैलिपर मतलब मोस्टली इसको बोलता है, यहाँ पे जो उसका चेस मेजरमेंट कर रहा है इसको करते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रेट है, जो रेटिंग है यहाँ पे रेटिंग दिया गया है ये स्ट्रेट है, और इस तरफ जो है ये कर्व है, ये थोड़ा डिफरेंस है इसके लिए। और दिस जो इक्विपमेंट है इसको स्प्रिंग कैलिपर के अंदर ही आता है, पर उसको स्पेशली एपीचेस कैलिपर बोलता है। एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट कैलिपर which is used for taking measurement of chest depth. जैसा उस दिन बोला था mid sternum location बताया था for number 4 sternum पे, तो वो यहाँ पे number 4 count किया गया, उसके बाद यहाँ touch किया और back side पे same parallel to the 4th ribs उसको back side भी touch किया गया और उसको इस position से measure किया गया। तो इससे उसका anterior और posterior का chest जो है वो पता चल जाएंगे, और इसको बोलते हैं चेस्ट डेफ, कितना डेफ है। और एक तो होता है कि ट्रांसवर्स जो साइड वाइज लेफ्ट और राइट का जो चेस्ट का जो ट्रांसवर्स चेस्ट होता है उसको हम ट्रांसवर्स चेस्ट डायमीटर बोलते हैं, और इसको हम एपी चेस्ट कैलिपर चेस्ट डेफ मेजर करने के लिए। सो दिस इक्विपमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द चेस्ट डेफ। इसमें स्कोरिंग आ जाएंगे सेंटीमीटर पे और इंच में दिखा देंगे कि 7 सेंटीमीटर है उसका या 15 है या 20 है, या इंच में दिखाएंगे 16 सेंटीमीटर 17 इंच या 15 इंच जो भी है। तो ये एक और ये एक है एपीचेस कैलिपर या स्प्रिंग कैलिपर। उसके बाद आता है स्लाइडिंग कैलिपर। स्लाइडिंग कैलिपर ये देखा हुआ है इक्विपमेंट, इसको स्लाइडिंग कैलिपर ये जीपीएम का वो है मॉडल है। एक है पॉइंटेड, ये जो पार्ट है ये पॉइंटेड है, और दूसरा जो पार्ट है ये ब्लंट थोड़ा सा उसमें कम है। तो मोस्टली स्लाइडिंग कैलिपर जो नाम है ये जो इक्विपमेंट है इज यूज फॉर
टेकिंग मेजरमेंट ऑन हेड फेस एक्सेट्रा। हेड और फेस के लिए ये स्लाइडिंग कैलिपर यूज करते हैं। क्या क्या पैरामीटर ले सकता है इससे, लाइक फेस लेंथ। फेस लेंथ मतलब जो उस दिन ग्लेवेला बोला था वहां से लेके चिन यहाँ पे चिन तक का, इसको फेसियल लेंथ माना जाता है। नेजल ब्रेथ, ये जो देख सकता है इसको, या साइड से इधर मेलियर बोलता है इसको, मेलियर टू मेलियर का जो डिस्टेंस है इसको हम नेजल ब्रेथ भी मानते हैं। नोज लेंथ का मतलब क्या होता है कि ये जो दिख रहा है नोज ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है ये। तो ये नेजन बोलते हैं इसको, मेल्यूर बोलते हैं, जो इसका जो लेंथ है वो यूज करते हैं इसके लिए। बट इन स्पोर्ट्स ये इतना हमारा ये पैरामीटर हम इसको यूज नहीं करते हैं। बट दिस इक्विपमेंट समटाइम यूज फॉर टेकिंग स्मॉल डायमीटर, जैसा रीज डायमीटर, बोन डायमीटर के लिए यूज भी कर लेता है। ये है मोस्टली बोन कैलिपर या बाइकोंडाइलर वर्नियर कैलिपर, ये जो इक्विपमेंट है। स्लाइडिंग कैलिपर के अंदर ही आता है जो चीज यहाँ पे दिखा रहा है, स्लाइडिंग कैलिपर उसी के जैसा ही है, पर आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे, एक थोड़ा पॉइंटेड शार्प है, दूसरा यहाँ पे जो है ये काफी ब्लंट है और इसमें इजीली वो हो जाता है। डिफरेंट मॉडल है यहाँ पे, ये देख सकता है ब्लैक वाला कंपनी के हिसाब से अलग अलग मॉडल भी बनाते हैं ये। तो मोस्टली ये बोन कैलिपर के नाम से क्यों जाना जाता है, बिकॉज दिस टेक मेजरमेंट ऑफ द बोन डायमीटर। बोन डायमीटर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लाइक आपका रिस्ट डायमीटर, ये हो गया आपका ह्यूमरस डायमीटर या एल्बो डायमीटर। जो कोंडाइल बोल रहा था हम, वन साइडेड प्रोमिनेंट में कल लैंडमार्क में बताए थे, जो प्रोमिनेंट पार्ट यहाँ पे जो है वहां टच करना है, उस तरफ भी वहां पे प्रोमिनेंट पार्ट रहता है तो उसको टच करना है। तो दोनों का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करके यहाँ रेटिंग 1 to 12 to 14, ऐसा 14-15 तक रहता है इसका स्केलिंग। तो इसी से यहाँ पे रेटिंग पता चल जाता है कहाँ पे इसको स्कोरिंग यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो उसको रीड करना है। तो उसी वजह से इसको वर्नियर बाइकोंडाइलर वर्नियर कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज दो कोंडाइल जुड़ा हुआ है इसमें, बाइकोंडाइलर इसलिए बोला। The instrument is used for taking small size measurements, mostly used for measuring the bicondylar measurement and therefore named by some as bicondylar vernier caliper. ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका femur diameter measure कर रहे हैं, femur diameter. वैसा ही आप ridge diameter भी measure कर लेंगे इसे। तो ये bone caliper is used for taking रिस्ट डायमीटर, ह्यूमरस या एल्बो डायमीटर, नी डायमीटर या फीमर डायमीटर और एंकल डायमीटर। तो ये चार डायमीटर मेजर करने के बाद वी कैन कैलकुलेट हाउ मच बोन मास, बोन मास कितना है वो कैलकुलेट कर सकता है थ्रू दिस इक्विपमेंट बोन कैलिपर। उसके बाद देखा होगा ऐसे मेजरिंग टेप है ना, तो मेजरिंग टेप, दिस टाइप ऑफ टेप इज डिफरेंट फ्रॉम द जो मार्केट में मिलता है, जो लोकल मार्केट में मिलता है, टेलर के लिए टेलरिंग यूज करता है, या आपका डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या आपका जो सपोज एथलेटिक ग्राउंड में ट्रैक में, या उससे थोड़ा सा डिफरेंट। जो रीडिंग है उसको आप कवर न कर ले, तो आपके मतलब जगह दिया गया है आपका फिंगर को रखने के लिए, और इसको कंफर्टेबली उसको दिखाई दे और इजी हो जाए आपको रीडिंग में। तो उस वजह से ये स्पेस दिया गया है, ये स्टील टेप है, और ये सिंथेटिक और नॉन फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको, जो नॉन स्ट्रेचेबल मतलब। तो कोई भी आप देख सकता है, इसके स्टील टेप भी यूज कर सकता है, एंड जिस टाइप ऑफ सिंथेटिक जो है फाइबर का जो है उसको भी यूज कर सकता है, बट इट शुड बी मेड स्पेशली फॉर बॉडी मेजरिंग, जो सरकमफ्रेंस मेजर करने के लिए बनाना होना चाहिए। सो यहाँ पे जो मार्केट में इंडियन मेड है उसका भी रेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो रेटिंग जो मार्किंग जो होता है ना यहाँ पे, इसमें भी थोड़ा थोड़ा अगर पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर में सपोज
0.5 का डिफरेंस भी आ जाएंगे अगर स्केलिंग में कोई थोड़ा सा एरर है तो। तो ये सब चीज़ें होता है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड मार्किंग होने का, ये चीज़ तो है। तो दिस बॉडी मेजरिंग टैब इज यूज फॉर टेकिंग द गर्थ और सरकमफ्रेंस मेजरमेंट ऑन द बॉडी एज वेल एज ऑन द बोन। हड्डियों का सपोज रिस्ट का डायमीटर, ये रिस्ट सरकमफ्रेंस लेना है, या यहाँ पे तो दिखाया गया मोस्टली हमने उस दिन पैरामीटर भी बोला है कि क्या क्या पैरामीटर मेजर करता है उसे। अपर आर्म, ये हो गया अपर आर्म, ये हो गया अपर आर्म फ्लेक्स, उसके बाद फोर आर्म, उसके बाद थाई सरकमफ्रेंस, काफ सरकमफ्रेंस, तो ये तीन चार होता है। एक्सेप्शनली अगर कुछ किसी का है तो वेस्ट का सरकमफ्रेंस ले लेता है, चेस्ट का भी सरकमफ्रेंस लेता है नॉर्मल, और एक्सपांशन भी ले लेता है इन सम स्पोर्ट स्पेसिफिक के हिसाब से, और वेस्ट और हिप एब्डोमेन सरकमफ्रेंस ये सब भी ले सकता है। सो फ्रॉम दिस हम लोग तो मोस्टली चार यहाँ पे फोर अपर आर्म का नॉर्मल और फ्लेक्स ले लेता है, फोर आर्म थाई एंड का, ये 1, 2, 3, 4, 5 पैरामीटर लेता है मोस्टली इसी से। तो फिर हम उस सरकमफ्रेंस का वैल्यू से हम मसल मास कैलकुलेट करते हैं विद करेक्शन करेंगे उसको स्किन फोल्ड से। तो क्या क्या स्किन फोल्ड आया वो बता दें। तो स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर ये देख सकते हैं, अलग अलग मॉडल है स्किन फोल्ड कैलिपर का, ऐसा भी मिलेंगे, यू कैन सी लाइक दिस, ये भी है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग कंपनी का मॉडल अलग अलग है, यू विल फाइंड इट। तो स्किन फोल्ड कैलिपर जो है इस डिजाइन टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 ग्राम पर एमएम स्क्वायर। ये क्या करता है, यहाँ पे ये स्प्रिंग भी देखा होगा, सब जगह स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग यहाँ पे है, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ इसके हिसाब से रेटिंग यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये क्या होता है कि इसमें डायल दिया गया है जहाँ उसका प्रेशर पॉइंट है कांस्टेंट प्रेशर के बाद, तो इसमें रेटिंग यहाँ पे रीड करता है, ये एमएम पे रीड करता है मिलीमीटर में, ये भी देखिए। तो ये जो है कांस्टेंट प्रेशर देता है, मतलब एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट प्रेशर, ना कम ना ज़्यादा, तो ये चीज़ है, एक स्प्रिंग है उससे उसका प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑन द कैलिपर फेस एट ऑल थिकनेस इट इज यूज फॉर मेजरिंग थिकनेस ऑफ द स्किन एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये स्किन थिकनेस मेजर करने के लिए यूज करता है, दिस स्किन फोल्ड कैलिपर इज यूज फॉर द मेजरिंग थिकनेस ऑफ द स्किन। तो उससे क्या होगा, हम अगर मोस्टली फोर पैरामीटर चाहिए होता है, बाइसेप ट्राइसेप सबस्कैपुलर सुप्राइलिप, ये चार पैरामीटर मिलने के बाद यू कैन कैलकुलेट बॉडी डेंसिटी, जो बॉडी कंपोजिशन में पढ़ाया गया है, बॉडी डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद हम उस बॉडी डेंसिटी को बॉडी फैट में कन्वर्ट कर सकता है, इक्वेशन लगा के आपका परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट बता सकता है। सो दिस इक्विपमेंट इज यूज स्किन फोल्ड कैलिपर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग फैट मास और परसेंटेज बॉडी फैट। मेजरिंग टेप इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग मसल मास, स्किन फोल्ड कैलिपर इज यूज फॉर फैट परसेंटेज, बोन कैलिपर इज यूज फॉर बोन मास कैलकुलेशन। तो ये है जरूरी। उसके बाद वेइंग मशीन, अलग अलग वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन देखा होगा डिजिटल भी है, बार्टिंग वेइंग मशीन भी होता है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग डिजाइन होता है, डिस्प्ले होता है या इसमें डायल होता है या स्प्रिंग के हिसाब से, डिजिटल है इलेक्ट्रॉनिक, तो वो अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टैंडर्ड और वो रिलायबल होना चाहिए उस इक्विपमेंट का। Weighing machine for recording the weight of subject, any type of standard weighing machine suited for the purpose can be used, कोई भी use कर सकता है, but one thing is weight लेने के time पे it should be where जो minimum cloth में होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, और standard equipment होना चाहिए। So this is the equipment which we have, दो तीन एक weighing machine है हमारे पास, digital भी है वो भी है, तो दिस इज वन ऑफ दैट इक्वल का जो है वो भी हमारे पास है। उसके बाद जो नया अभी नया नया एनशोई के उसके हेड पे काफी इक्विपमेंट भी आया हुआ है, सम जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं इसको बता रहा है, इसको हम बोलते हैं सिटिंग हाइट टेबल जो है, ये हमारे पास यही है
I'm showing the well, testing के time पे कैसे करना है. Position ऐसा जो है वो से बिठाना है उसको, back straight रखना है, will touch the forehead, and then breathing जो है वो इस कोने पे रहता है counter. Sitting height table जो है is used for taking the sitting height measurement. उसका जो trunk length है उसको measure करने के लिए use करता है. For analyzing body proportion and ratio, like sitting height और height का क्या ratio है, trunk portion ज्यादा है या lower ज्यादा है वो जानने के लिए. Sitting height and lower extremity इसका proportion क्या है, trunk और lower length का proportion क्या है, height के हिसाब से क्या trunk represent कर रहा है, ये जानने के लिए trunk length जानने के लिए sitting height table is used. Simple है. उसके बाद जो डिजिटल स्टेडियोमीटर है सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बट दिस इज डिजिटल बीएमआई मशीन. इसको डिजिटल बीएमआई मशीन बोलते हैं. तो इसमें एक्स्ट्रा एक डाला गया है, यहाँ पे एक मॉनिटर टाइप पे दिया गया है, और वो जो स्टेडियोमीटर है उसमें प्लेटफॉर्म जो है वो वेट मेजर नहीं कर सकता है, बट दिस बीएमआई मशीन जो है वो वेट भी एक्सेप्ट कर लेंगे, हाइट भी ले लेंगे, और उसका यहाँ पे बीएमआई वैल्यू बता देंगे, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, हाइट यहाँ ले लेंगे, वेट इसका विंग स्केल अटैच है तो वेट ले लेंगे, वेट उठा लेंगे, यहाँ पे मॉनिटर में दिखाई देंगे, हाइट यहाँ पे आपको कमांड देना है कि यहाँ पे ओके हो, यहाँ पे जो भी पैरामीटर आए उसको होल्ड करके इसको इस यहाँ से इस मॉनिटर तक सेंड करना है. सेंड हो, यहाँ पे पावर बटन है, होल्ड का बटन है और सेंड बटन है, ठीक है. तो पहले आप होल्ड पे रखेंगे उस हाइट को कंट्रोल करने के लिए कि चेंज ना हो मूव करते समय, एंड देन उसके बाद होल्ड करने के बाद उसको सेंड बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अपने आप वेट उठा लेंगे, उसके बाद सेंड जब करेंगे तो हाइट भी आ जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली बीएमआई वैल्यू जो है 21 है, 22 है, 23 है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट वेट वो आ जाएंगे उसके हिसाब से. सो टू मेजर हाइट ले सकता है इससे, वेट ले सकता है, और बीएमआई का वैल्यू इंस्टेंटली निकाल सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, वो अपने आप बता देंगे. उससे पहले हम क्या करते थे, हाइट लेते थे, वेट लेते थे, फिर वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर फॉर्मूला लगाते थे, कैलकुलेटर यूज करते थे. सो ऑल दोस झंझट जो है वो खत्म, बस उस बंदे को इसका ऊपर स्टैंड खड़ा कर दो और बस हाइट ले लो, सेंड करो, और इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ बीएमआई, हाइट, वेट, सब कुछ दे देंगे. उसके बाद सेग्मोमीटर बोल के आया हुआ है. सेग्मोमीटर जो अभी एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड और रॉड कंपास से जो यूज कर रहा था वैसा ही है, डायमीटर और लेंथ मेजर करने के लिए क्या क्या फीचर्स है इसमें ये अलग से अलग लिखा गया है, वैसे मेजरिंग टाइप का ही है, बट इसमें क्या होता है कि ये दो जो है वो दिया गया है पॉइंट इसका मार्किंग के लिए, टच करने के लिए कि सपोज हैंड लेंथ जाना, ये होता है रिस्ट से लेके उसका यहाँ तक का जो है उसको हैंड लेंथ बोलता है. तो कोई कोई गेमों में स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में हैंड लेंथ स्टडी करते हैं तो उसके लिए फायदा है, हैंड स्पान देखता है, तो वो सब चीजें इसके लिए यूज कर सकता है. छोटा छोटा जो सेगमेंट बाय सेगमेंट का जो स्टडी है उसको सेगमेंटल लेंथ, मतलब हैंड का देखना है, फोर आर्म का देखना है, अपर आर्म का देखना है, वो सब इसमें बता देता है. लाइक ये भी देख सकते हैं आपका अपर आर्म का लेंथ क्या है, यहाँ पे एक्रोमियल को टच किया और रेडियल को टच किया, मतलब ह्यूमरस का अपर आर्म लेंथ पता चल जाएंगे. तो वैसे ही आप स्मॉल स्मॉल सेगमेंट पे डिवाइड करके इस इक्विपमेंट से आपका लेंथ वाइज अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट वो मेजर कर सकता है. यूज फॉर सेगमेंटल लेंथ ब्रेड मेजरमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. तो ये है सेगमोमीटर, सेगमेंट के नाम से आया है सेगमोमीटर. ये है बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, जो हम लोग तो मेजरिंग टेप से, स्किन फोर्स से, बोन डायमीटर से यूज करते थे, और ये क्या करते हैं बस सिंपली जो है मिनिमम प्लॉट में जो सब्जेक्ट जो है उसको स्टेन कराना है इस प्लेटफॉर्म पे, ये वेट भी ले लेंगे और सेंसर लगा हुआ है इसमें, चार सेंसर नीचे है और हाथ पकड़ रहा है, यहाँ पे भी चार सेंसर है. तो ये आई सेंसर से काम करते हैं. उसमें क्या होता है कि जो बॉडी कंपोजिशन में बता तो दिया है, इलेक्ट्रिकल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट जो है वो फ्लो करा देता है,
तो वो जस्ट स्टिल रहेंगे थोड़ा देर के लिए, उसमें हाइट आपका नाम, हाइट और एज ये डालेंगे, वेट अपने आप ले लेंगे। एंड उसके बाद आपको होल्ड करके 40-50 सेकेंड तक होल्ड करना है, एंड देन इट विल गिव यू आपका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे दे देंगे, लाइक मसल मास कितना है आपके अंदर, स्केलेटल मास कितना है, सॉफ्ट लीन मास कितना है, फैट फ्री मास कितना है, आर यू इन द हेल्दी रेंज और नॉट, आपका जो बॉडी है लेफ्ट और राइट का जो सिमिट्री बॉडी है कि नहीं है, और अपर और लोअर का क्या है, बैलेंस में है या नहीं है। लेफ्ट राइट का बैलेंस बताएंगे कि आपका राइट में ज़्यादा मसल है या ज़्यादा फैट है, उसका रेशियो बता देता है। अपर और अपर ट्रंक का और लोअर लेग का भी रेशियो बता देता है, मसल और फैट सेगमेंटल एनालिसिस का इंफॉर्मेशन दे देता है। ओबेसिटी एनालिसिस लाइक सबक्यूटेनस फैट, विसेरल फैट, पेट में कितना जमा हुआ है, स्किन के अंदर कितना जमा हुआ है, वो सब आइडिया दे देता है। अदर देन दिस बॉडी वाटर एनालिसिस, इंट्रासेल के अंदर कितना पानी है, सेल के बाहर कितना पानी है, और टोटल बॉडी में कितना मात्रा पानी का वो है, और नॉर्मल क्या रेंज है वो भी बता देता है कि दिस इज द नॉर्मल रेंज, योर वैल्यू इज दिस वन, मतलब आप का जो हिसाब से एज, हाइट और वेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपका नॉर्मल वैल्यू यहाँ से यहाँ होना चाहिए और आप इस पे है, ये सब आइडिया बता देंगे। और उसके साथ साथ BMR, वेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कंट्रोल डाइट के लिए प्रिडिक्टिव वाला है। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर TEE, रिजल्ट्स एनालिसिस, टोटल स्कोर, इन सबों का थोड़ा सा लमसम अमाउंट में आइडिया दे देता है रिगार्डिंग दिस वन। तो इसका जो है प्रिंटआउट ऐसा ही निकलता है, जो भी जो इक्विपमेंट है वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रिंटर अटैच करके रखा हुआ है, टेस्टिंग के बाद वो अपने आप प्रिंट दे देता है कि जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, हाइट लिखा है, एज लिखा है, जेंडर लिखा हुआ है, कब टेस्ट किया है, वो सब बता देंगे। और ये ऐसा वैल्यू बॉडी वाटर, प्रोटीन, मिनरल के बारे में, बॉडी फैट के बारे में बता रहा है, ओबेसिटी के बारे में, BMI क्या है, फैट कितना है, SMM मसल कितना है, फैट मास कितना है, ये बता रहा है। और उसके साथ साथ वेट शिफ्ट का क्या रेशियो बनता है, बाइसरल फैट जहाँ पे लिखा है, सब कुटिनस कितना है, उसके साथ साथ सेगमेंटल एनालिसिस, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट राइट आर्म, लेफ्ट आर्म ट्रंक, राइट लेग, लेफ्ट लेग, ये भी बता देता है कितना कितना परसेंट लेफ्ट राइट में है। और साथ ही साथ इसमें देखिए बॉडी वाटर का लेवल भी बता देता है कितना परसेंट बॉडी वाटर है। और हम बोल रहा था बॉडी बैलेंस असेसमेंट, अपर बॉडी ओके, लोअर बॉडी बैलेंस, अगर इम्बैलेंस होता तो यहाँ पे इम्बैलेंस लिख देता। कंट्रोल गाइड में सपोज टारगेट वेट 88 होना चाहिए उसका, ये बताओ कंट्रोल करो, वेट कंट्रोल करो, मसल इम्प्रूव करो या ओके है, या फेट माइनस करो या प्लस करो, ये बता देता है। तो उसी हिसाब से वो अपने आप टिक किया हुआ है, BMI ओवरवेट जा रहा है, फेट परसेंटेज ओबेस पे आ रहा है। अगर ये चीज प्रिडिक्टेड, यहाँ पे प्रिडिक्टेड एब्डोमिनल ओबेसिटी भी दिखा गया है इस टाइम पे, अगर ऐसा चल रहा है तो आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स, जब उसका 60 इयर्स होगा तो क्या टेंटेटिव डायग्राम बना के दे देता है। अगर यही हाल चाल रहा तो बस आपका 60 इयर्स में इतना तक गेन होने का चांसेस है, वो भी बता देता है। तो ये एक हिस्ट्री भी, ये यहाँ पे क्या होता है कि इस इक्विपमेंट में अगर सपोज ये फर्स्ट पैरामीटर है, आपने एक बार टेस्ट किया, ये दिखा दिया, सेकेंड टेस्ट में आप इसके बाद एक डॉट आ जाएंगे और लाइन खींच देंगे उसमें कि कौन कौन सा पैरामीटर में उसको इंक्रीज हुआ है, कौन कौन सा पैरामीटर में डाउन हुआ है। अगर रेगुलरली 3-4 बार प्रैक्टिस के बाद वो सब देखा जाएंगे तो उसका चार्ट टेबल जो है ग्राफ बन जाएंगे, ये वेट में लूज हुआ है, फैट में लूज हुआ है, मसल इंप्रूव हुआ है, तो वो सब आइडिया इससे दे देंगे। उसके बाद बॉडी तो दिखा चुका है, बोल भी चुका है कि बॉडी पार्ट क्या है, बॉडी परसेंटेज, बॉडी फैट, तो ये है बॉडी पार्ट। और इसको हम साइंटिफिकली ईयर डिस्प्लेसमेंट प्लेथिस्मोग्राफी बोलते हैं इस चीज को। यू कैन सी व्हाइल टेस्टिंग आल्सो यू कैन सी हियर, ये हमारा लैब है, जब लैब विजिट होगा तब दिखा देंगे। इसके चैम्बर के अंदर आदमी बैठना है, एंड देन जो मॉनिटर है वो उसमें आपको रिजल्ट का वैल्यू आ जाएंगे, और ये भी इस तरह का प्रिंट आ जाएंगे अगर टेस्टिंग के बाद। नेम, एज, जेंडर, हाइट तो हम देना पड़ेंगे, एथनिसिटी, जनरल पॉपुलेशन है या एथलीट है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ये थोड़ा पूछता है जेंडर,
कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, और मोस्टली ये पैरामीटर परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट दे देता है, परसेंटेज ऑफ फैट फ्री मास, फैट मास, फैट फ्री मास, बॉडी वेट, बॉडी वॉल्यूम, बॉडी डेंसिटी, थोरैक्सिक गैस वॉल्यूम, ये सब दे देता है। एंड देन उसके हिसाब से आप किस रेंज पे हैं और क्या करना चाहिए, अल्ट्रा लीन, लीन, मॉडरेट लीन, एक्सेस फैट, रिच, मतलब जो जिसमें ज़्यादा हाई अमाउंट है। तो इसमें भी आपका TEE टोटल एस्टिमेटेड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बता देता है, और वेसल मेटाबॉलिक रेट भी, RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का भी एक प्रिडिक्टेड एस्टिमेटेड वैल्यू दे देता है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, सेडेंटरी पॉपुलेशन के लिए क्या होना है, और एक्टिव में क्या होना है, और लो एक्टिव में क्या होना है, वेरी एक्टिव में क्या क्या रेंज में होना चाहिए, ये बता देता है। तो ये था आपका इक्विपमेंट, पुराना इक्विपमेंट और जो नया इक्विपमेंट जो हमारे पास है उन सबों का। उसके अलावा दो साल और भी है, आई डोंट थिंक जो लैब विजिट होगा उसमें बता देंगे क्या क्या है उसमें। तो उसके बाद अभी एक वीडियो चलाएंगे, तो उसको देख लो कैसा जो इक्विपमेंट जो हमारा पुराना जो इक्विपमेंट है एंथ्रोपोमेट्रिक ब्लड का, तो उससे कैसे एसेस करता है ये देख लो। अगर वीडियो दिखाई नहीं देता है ना तो मैसेज कर देना,